वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्नेक सिंबल के बारे में, यानी हथेलियों पे पाए जाने वाले दो तरह के सांप की आकृतियों के बारे में। एक जो पूरी तरीके से चलायमान अवस्था में दिखती है और एक जो कुंडली मारी हुई अवस्था में दिखती है। ये दोनों बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम लोगों के हाथ में नजर आते हैं। ठीक है, नजर इसलिए कम आते हैं क्योंकि ये सती रेखाओं से बने होते हैं। सती रेखाएं क्या होती है? तो ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी महीन रेखाएं, ये होती है सती रेखाएं, जिसके ऊपर ये बड़ी लकीरें आती हैं। ठीक है, तो ये महीन लकीरों के आधार पे, महीन लकीरों से भी स्थितियां बनती है, जिसे हम एक चलायमान सर्प के निशान के रूप में देखते हैं और एक कुंडली वाली अवस्था में बैठी हुई सर्प के निशान के रूप में देखते हैं। इनकी उपस्थिति हमारे हाथों में क्या संकेत करती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये कब और ज्यादातर किस जगह पे होने पे ये हमारे लिए काफी अशुभ है और कहाँ पे होने पे हमारे लिए शुभ है, इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। तो ध्यान से इसे देखते रहिएगा ताकि आप इसे समझ सके। दोस्तों, जो भी चलायमान होती है न सर्प के निशान, वे सर्प के निशान आपको चंद्र पर्वत के तरफ से निकलते हुए मालूम पड़ेंगे। ठीक है, वे सती रेखाओं से तैयार होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी फेट लाइन हो गई, यहाँ पे साथ साथ में फेट लाइन चल रही है, तो इसी के साथ साथ में नीचे से सती रेखाओं के आधार पे ऐसे ऐसे सती रेखाओं की मूवमेंट इस प्रकार की होगी कि इसके साथ में ऐसी चलती हुई छोटी सी दिखाई देगी। ये 1 से लेकर 1.5 इंच तक की इसकी लंबाई होगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगी, 1.5 पौने 2, 1 से लेकर 1.5 पौने 2 तक के बीच के इसकी लंबाई होगी। और ये पूरी तरीके से जो है ना, बस सांप जैसे चलता है वैसी आकार की होगी, और एक तरफ एकदम महीन होगी पतली सी और एक तरफ काफी मोटी होगी। ठीक है, जिधर मोटी होगी उधर इसका मुंह समझना है, जिधर पतली होगी इसकी पूंछ समझना है। ठीक है, तो ये ऐसी सती रेखाओं में आपको ये चलती हुई मालूम पड़ जाएगी। अगर सती रेखाओं में बीच में कहीं भी कोई टूट है तो ये सर्प का निशान नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी अगर छोटा सा भी अगर टूट हो गया, कोई सती रेखा ने इसे बीच से काट दिया या बीच में गोल हो गया, तो ये सर्प का निशान नहीं होगा। पूरी तरीके से एक जैसी हो, कहीं भी टूटी ना हो, तभी यह सर्प का निशान होता है। और अगर इस अवस्था में ये सर्प का निशान पूरी पूरी तरीके से अपने पूरे रूप में आपके चंद्र क्षेत्र पर खासकर विराजमान हो, तो व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए बहुत ही एक तरीके से आप मान के चले कि उनके लिए श्राप की तरह होते हैं। ये लोग जहर की तरह होते हैं, जो कि अपने जहर में खुद भी मर मिटते हैं और दूसरे को भी, अगल बगल बगल वाले को भी ये जला देते हैं। तो ये बहुत ही अशुभ निशान है, जो कि बहुत ही रेयर हाथों में आपको मिलेगा। और अगर पूर्ण रूप से, पूर्ण फलित रूप से अगर ये चल रहा है, पूर्ण रूप से अगर ये सजीव है, तो ऐसी अवस्था में ये लोग, ये व्यक्ति के लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है, कितना ज्यादा खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और खुद में खुद भी चला जाता है और अगल बगल वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति बहुत ही ज्यादा दुभर है। अगर ये स्थिति आपके शुक्र पर्वत पे कहीं पे भी बन रही है, और ये हमेशा आपको सती रेखाओं से ही बनेगी, ठीक है ना, ऊपर वाली प्रमुख रेखाओं के रूप में इसकी आकृति नहीं बनती है। अगर ये शुक्र क्षेत्र पे आ जाए, ऐसी अवस्था में क्या होगा? ये अवस्था बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह है। ऐसी अवस्था में जातक के जीवन पर इसका काफी अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिनके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर सकते, सीधे मुंह बोल भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थितियां, ऐसी शर्मिंदगी और ऐसा कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है, समाज के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये सती रेखाओं की स्थिति मंगल पे बने, जो कि अमूमन नहीं ही बनती है, बहुत ही रेयर, रेयर क्या, एक तरह से आप समझो कि बस बने ही ना, क्योंकि यहाँ पे अगर बन गई ना, और अगर मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है, आपकी गुरु माउंट अच्छी अवस्था में है, तो ये ना जाने क्या कर बैठेंगे। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिवान हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनके पास पावर आ जाती है, और उसके बाद ये सब कुछ गलत ही करते हैं। ठीक है, तो सर्प का निशान अमूमन आप अगर देखें तो नीचे नीचे के क्षेत्र की किसी भी स्थिति में, किसी भी पर्वत पे, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही आपके लिए गलत है, स्थितियों को आपके कंट्रोल के बाहर करती है।
यही सर्प का निशान अगर आपके गुरु पे होगा तो क्या होगा, गुरु की जितनी भी अच्छाई होगी सबको खत्म कर देगा, सबको पूरी तरीके से बैठा देगा, सब कुछ मतलब सारी ऊर्जा रहते हुए भी व्यक्ति अपना शरीर भी नहीं हिला पाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, सब कुछ पा के सब कुछ खो देगा, ठीक है। ऐसी स्थिति आ जाती है गुरु पर्वत पे, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एकमात्र गुरु पर्वत है शनि पर्वत है जहाँ पे अगर ये निशान आ जाता है तो व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है। शनि पर अगर ये निशान मिल जाता है तो व्यक्ति बहुत ही बड़ा, एक तरीके से बोले तो बहुत बड़े दिल वाला, बहुत बड़ा ट्रस्टी वगैरह हो सकता है। ये लोग अपना पूरा जीवन पूरा धन दूसरों की भलाई में लगा देते हैं, दूसरों की के अच्छाई में लगा देते हैं और पूरा जीवन इनका दूसरों के लिए समर्पित होता है। एकमात्र इकलौता अमाउंट है जहां पे इसका निशान आपके लिए अच्छा है, इसके अलावा सूर्य पे होगा फिर भी आपके लिए खतरनाक है, बुध पे हो तो बस कहानी गोल कर देगा, ठीक है। इसके अलावा एक और दूसरा जो निशान है जो कि मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कुंडली की, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे आपको पाया जाएगा, कुंडली वाली जो भी स्थिति है वो बस दो जगह पे पाई जाएगी, मंगल सेकंड पे और राहु पे। यहाँ पे सती रेखाओं के आधार पे ऐसी कुंडलियां बन के वो बैठी तैयार जैसी होंगी, ठीक है, अंदर की सती रेखाओं से बहुत छोटी सी ऐसी स्थितियां यहाँ पे बनेगी, मतलब इस क्षेत्र में कहीं पे भी ये बन सकती है, इसके अलावा इस क्षेत्र में ये बनेगी आपको अंगूठे के करीब यहाँ पर ये बनेगी। यहाँ पे अगर कहीं भी कुंडली मार के अगर ये बैठी है तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के लिए सारे काम, सारे आपके जो भी आपने अच्छाई भले किए हैं, कितना भी अच्छा किया हो कभी आपको उसका फल नहीं मिलेगा, हमेशा दूसरे की गलती आपको भुगतनी पड़ेगी, हमेशा कष्ट में व्यक्ति का जीवन जाएगा, वो मर भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा और पूरे जीवन कष्ट में ही उसका जाता रहेगा, रो रो के वो जिएगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पे पैदा हो जाती है, व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है, भगवान न करे किसी के भी हाथों में ऐसी स्थितियां बने तो। और ये भी जो है ना पूरी कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी खंडित हो तो ये खंडित हो जाएगी, तो इसे आप उसे नहीं मान सकते, ठीक है ना, पूर्ण एकदम स्वस्थ अवस्था में होना चाहिए तभी जाके वो होती है, चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया बहुत ही रेयर आपको मिलेंगे और एकदम शुद्ध अवस्था में। इसके बारे में बस ये बात एकदम हमेशा आप दिमाग में बैठा ले कि एकदम पूर्ण रूप पेन अवस्था में, पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में हो तभी जाके ये पूर्ण रूप से आप इसे कुंडली वाले निशान के रूप में या चलंत निशान के रूप में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी रूप में इसको आप सर्प की मान्यता नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये था आज सर्प के विषय में, अगले टॉपिक बार फिर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए गुड बाय।